ये याद रखे कि दुनिया की ज़िंदगी जो है ये इट्स लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन। एक ड्रॉप जो है अगर वो ख़राब हो गया है, खुदा ना खास्ता अगर आप समझते हैं आपकी ज़िंदगी बहुत ही ख़राब है, तो समंदर में एक ड्रॉप ख़राब हो तो क्या फ़र्क पड़ता है? आपकी असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है ना। तो सब्र के साथ, पेशेंस, परसेवरेंस के साथ, डिग्निटी के साथ, शुक्रगुजारी के साथ ज़िंदगी गुजारी जाए ताकि एटलीस्ट आपका नेक्स्ट वर्ल्ड सेव हो जाए। तो एक्सेप्टेंस अच्छी बात है। इंसान जो है वो अपनी ना सेहत बर्बाद करे, ना ही अपने आप को इतना कोसे, ना ही अल्लाह ताला से नाराज़गी शो करे। ये है असल में अक्लमंदी, और इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको कुरान मजीद की तिलावत, तकवियत, नॉलेज, अल्लाह के बारे में नॉलेज, ताकि आप ग्राउंडेड, वेल ग्राउंडेड रहें, आप हिले ना उस जगह से, इसकी बड़ी ज़रूरत है। जितनी भी स्टोरीज़ ऑफ चेंज है ना, जो यूथ हमसे पूछते हैं कि आप कैसे चेंज हुए, फलाना कैसे चेंज हुआ, राजा ज़िया कैसे चेंज हुए, या एक गोरे कैसे चेंज हो गए और वो आलिम बन गए, अब्दुल रहीम ग्रीन की स्टोरी, बिलाल फिलिप्स की स्टोरी है, ठीक है ना, कितने ऐसे मैं आपको नाम गिना सकता हूँ जो काफिर थे, मुसलमान हुए, इस लेवल के मुसलमान हुए कि हमसे भी आगे निकल गए, ठीक है ना, आलिम दीन बन गए। टिम हम्बल आज देखें माशाल्लाह आलिम दीन है, लाखों लोग उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं, उनकी वीडियोज़ बहुत हैं। इसी तरह रैपर्स हैं कुछ लोग, उन सब की स्टोरी में एक चीज़ कॉमन है, लोग पूछते हैं कि वो कैसे चेंज हुए और वो बरकरार कैसे रहे। चेंज होते ही वो इल्म के साथ जुड़ गए। जो चेंज होके इल्म के साथ नहीं जुड़ा, वो 3 महीने की चेंज थी, 2 महीने की चेंज थी, उसके बाद वो ख़त्म हो गए। कंसिस्टेंसी अचीव करनी है ना, तो वही के साथ दिल लगाना पड़ेगा। कुरान पढ़ना पड़ेगा आपको, सीरत पढ़नी पड़ेगी आपको, इस्लामिक नॉलेज लेना पड़ेगा आपको, उससे आएगी कंसिस्टेंसी। अगर बस वो ऐसी चेंज है जो कुछ एक चीज़ देखकर आ गई, उसके बाद वही आप वीडियोज़ ही देखे जा रहे हैं, कुछ ख़ास इल्म नहीं हासिल कर रहे हैं, उससे फिर शायद वो कंसिस्टेंसी ना आए, उससे फिर शायद वो क्लैरिटी भी ना आए, ठीक है। तो क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी के लिए यू नीड ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एफर्ट, और आपको इल्म के साथ जुड़ना पड़ेगा। इल्म के मैदान से जो भी जुड़ा आज देखें वो कंसिस्टेंट है। मैंने आपको कई नाम गिनाए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी चेंज हुआ तो मैं कुरान के साथ जुड़ा था, इसी तरह बाकियों को आप देखेंगे वो भी किसी ना किसी फील्ड के साथ जुड़े, हदीस पढ़ने लग गए, कुरान का तर्जमा पढ़ने लग गए, ठीक है ना, या किसी आलिम के साथ जुड़ गए, उनके साथ कुछ क्लासेस लेने लग गए। तो ये ज़रूरी होता है, ये स्टेप ज़रूरी है।